हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के जरिए मैं इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट आपको देने वाला हूं और ये रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंसेंगे। मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। बट अगर आपने ये रिजल्ट याद रखा तो आप डायरेक्ट जैसे कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या फिर आपको एक सर्किट दे दिया गया उसमें इस चीज का यूज करके आप डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आता है तो फिर तो वहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये वहां पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप यहां से सेकेंडों में उसका आंसर आप बता दोगे, ठीक है। क्या है रिजल्ट, ध्यान से सुनो। अब वो कॉम्बिनेशन जो होता है सर्किट में, सीरीज और पैरेलल, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। सीरीज जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस केस में करंट जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये सबको पता है। और ये भी यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है जब कॉम्बिनेशन पैरेलल का हो। अब याद रखना एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, P=VI, ठीक है। अब समझो, अगर मैंने बोल दिया कि करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अगर बाबू हमने करंट को कांस्टेंट कर दिया तो मैं ऐसे बोल सकता हूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पे मैंने बोला कि वोल्टेज कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, क्लियर है, आगे बात समझ में। एक और एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, याद करवाता हूं आपको, P=VI, ठीक है, खोलते हो तो ये आई स्क्वायर आर आता है ना, आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। एक और रिलेशन है कि अगर मैं आई आर पे होल स्क्वायर ले लूं तो एक आर आप नीचे डाल दोगे तो यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर अपन में आर, ठीक है। तो यहां से आपका किसका बना, रेजिस्टेंस का। तो यहां से रिलेशन आपको दिख रहा होगा कि अगर बाबू आपने करेंट को कॉन्स्टेंट रखा, करेंट को कॉन्स्टेंट रखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, दिख रहा है। ऐसे ही यहां पे देखो, अगर आपने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हालांकि इस रिजल्ट को मैंने ऑलरेडी बता दिया था, किसी दूसरे वीडियो में मैंने बता रखा है, ओके। तो ये बात समझ में आ गई, यानी सीरीज है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, ठीक है, और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R होता है, क्लियर, नो डाउट। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल का हो, कॉम्बिनेशन पैरेलल का हो, देन वैसे केस में है ना P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इवन ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह का, और मतलब वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। और यहां पे देखो P डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और नोट भी कर लेना। एक रिजल्ट दे रहा हूं बट मैं उसको प्रूव नहीं कर रहा हूं, ये काम आप खुद से करोगे, ठीक है, ये काम आप खुद से करोगे। फिर भी अगर आपको नहीं आता, जिसकी जरूरत, जिसको जरूरत लगे, प्लीज मुझे कमेंट में बता सकता है या मुझे डायरेक्ट मैसेज करेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं डेफिनेटली इसका एक लंबा सा वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल आप रिजल्ट याद रखना, ओके। और यहां पर ध्यान रखना ये चीज, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, ये रिलेशन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको बताता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। अब समझो, जैसे मान लो तुम्हें सीरीज सर्किट में बहुत सारे बल्ब लगा के दे दिए गए, ठीक है, तो करंट तो कांस्टेंट है, और पूछा जाए कि कौन सा बल्ब जो है ब्राइटर होगा, ठीक है, तो ऐसा समझो। देखो आप यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो जाए तो पावर कम होगा, और जिसका पावर ज्यादा है वो एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, और जब एनर्जी कम कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली वो डिमर जलेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहां पे देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है, यानी जिसका पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा, है ना, कि कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा और कौन सा बल्ब डिमर होगा, ठीक है। यहां से ये भी रिलेशन आपको देखने को मिला कि P और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, P और I के बीच क्या रिलेशन है, ये सारे रिलेशन आपने यहां से देख लिए। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये चीजें समझ में आई होगी। हम किसी दूसरे वीडियो में बाबू ये डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कि 1/W और ये W कैसे होता है,
ठीक है, ये चीज मैं आपको यहां पे भी मैं बता दूं, यहां पे ये डायरेक्ट छोटा सा है इसके लिए, तो है ना, अगर मैं इसी को खोल लूं तो एक काम करते हैं, P इक्वल टू वी आई, ये तो हो गया वी आई। अच्छा आपने ये पढ़ा हुआ है आई इक्वल टू क्यू टी, सॉरी क्यू बाई टी, लो मन नहीं मान रहा लेकिन आप ये खुद से करोगे, तो ये हो जाएगा क्यू बाई टी। और आपको ये पता है वी क्यू जो होता है डब्ल्यू, ठीक है, ओके। देखो यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम चेंज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, अगर फ्लो ऑफ चार्ज जो है, चार्ज नंबर ऑफ चार्ज जो है वो तो फिक्स होगा, है ना, वो चार्ज तो फिक्स होगा, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, तो ये पार्ट पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो यानी डब्ल्यू, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पे हो गया डब्ल्यू, ओके। तो उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, फिर भी किस तरह का डाउट हो जाए तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, बट फिलहाल के लिए आप रिलेशन याद रखो, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी है तो आप ये वाला नहीं कर पाओगे वहां पे, है ना, फिर आपको जो नॉर्मल मेथड है उसको हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।